वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टिखंड अथ द्वितीय अध्याय। नारद मुनि की तपस्या, इंद्र द्वारा तपस्या में विघ्न उपस्थित करना, नारद का काम पर विजय पाना और अहंकार से युक्त होकर ब्रह्मा विष्णु और रुद्र से अपने तप का कथन। शुद्धवाच एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि सत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मनादुधे। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि शिरोमणि विनीत चित्र नारद जी ने तपस्या के लिए अपने मन में विचार किया। हिमशैल गुहा कचित एका परम शोभना यत्सुर नदी सदा बहत वेगतः। हिमालय पर्वत में कोई एक परम शोभा संपन्न गुफा थी जिसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेगपूर्वक बहती थी। तत्राश्रमो महादिव्या महादिव्यो नाना शोभा समुन्नित तपोर्थम स ययो तत् नारदो दिव्य दर्शन। वहाँ एक महान दिव्याश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। वे दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए वहाँ गए। ताम दुष्टा मुनि साधुलस्तपे दूलस्तेपे सूर्यतम बद्ध्वाश्रम दृढ़ मौनी प्रणनायम्य शुद्धि। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहाँ तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण शुद्ध था। वे दृढ़तापूर्वक आसन बांध कर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। चक्रे मुनि समाधिम तमः ब्रह्मेति यत्र विज्ञानम भूत ब्रह्म साक्षात्कार करम द्विजा। हे ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात करने वाला अहम ब्रह्मास्मि यह विज्ञान प्रकट होता है। इत्थम तपति तस्मिन्नये नारदे मुनि सत्यमे चकंपथे सुनाशीरो मनस्संताप विहल। मुनि नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे तब देवराज इंद्र कांप उठे और मानसिक संताप से व्याकुल हो गए। मनसि जीव जंत्यासो मुरर्मे राजमिच्छति तद्विघ्नकरणार्थम ही हरिति हरिहर्त्यन्निमेष। वे नारद मुनि मेरा राज लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। सस्मार सम्रम शक्र सेता देवनायक आजगाम तुम काम समधि महर्षि युद्ध। उस समय देवनायक इंद्र ने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही समान बुद्धि वाले कामदेव अपनी पत्नी रथ के साथ आ गए। अथागतम समरम दृष्ट्वा संबोध्यम सुरराट प्रभु उवाच स प्रपस्यासु स्वार्थे कुटिले सुमिषी। आए हुए कामदेव को देखकर कपट बुद्धि देवराज इंद्र शीघ्र ही स्वार्थ के लिए उनको संबोधित करते हुए कहने लगे। इंद्रवाच मित्रवर्य महावीर सर्वदा हितकारक शृणुप्रीत्या वचो मे तुम कुरु सहायत्मात्मना। इंद्र बोले, मित्रों में श्रेष्ठ हे महावीर, हे सर्वदा हितकारक, तुम प्रेम पूर्वक मेरे वचनों को सुनो और मेरी सहायता करो। तद्बलान में बहुनाश तपोगर्वो विनाशत मद्राज स्थिरता मित्र तदनुग्रहत सदा। हे मित्र, तुम्हारे बल से मैंने बहुत लोगों की तपस्या का गौरव नष्ट किया है। तुम्हारी कृपा से ही मेरा यह राज्य स्थिर है। हिमशैल गुहायाम ही मुनिस्तपति नारद मनसोदिश्य विश्वेशम महासंयम मान दृढ़। पूर्ण रूप से संयमित होकर दृढ़ निश्चय देवर्षि नारद मन से विश्वेश्वर भगवान शंकर की प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे हैं। या चन्ने भी दो राज्यम स ममेदि विशंकित अद्यव गच्छ तत्रम तुम तत् पो विघ्नमाचर। मुझे यह शंका है कि तपस्या से प्रसन्न ब्रह्मा से भी मेरा राज्य ही न मांग लें। आज ही तुम वहाँ चले जाओ और उनकी तपस्या में विघ्न डालो। इत्याज्ञप्तो महेंद्रेण सहकाम समुप्रिय जगाम तत्सलम गर्वादुपायम सुम ही जगार है। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर वे कामदेव बसंत को साथ लेकर बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। रचया मास तत्रासु स्वकला सकला अपी बसंतो विश्वप्रभावम चकार विविधम मदात। उन्होंने वहाँ शीघ्र ही अपनी सारी कलाएँ रच डाली। बसंत ने भी मनमत्त होकर अनेक प्रकार से अपना प्रभाव डाल दिया।
न बहुव मुनश्येतो विकृतम मुनि सत्तमा भ्रष्टो बहुव तद्गर्वो महेशानुग्रहेण। हे मुनिवरों, कामदेव और बसंत की अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन लोगों का गर्व जरूर हो गया। श्रृणुतादर तस्तत्र कारणम सौन काद्य ईश्वरानुग्रहणे पात्र न प्रभाव स्मरसे ही। हे शौनक आदिमहर्षियों, ऐसा होने में जो कारण था उसे आदरपूर्वक सुनिए। महादेवी जी की कृपा से ही कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अत्र शंभुनाकारी सुतपस्य स्मरारिणा अत्र दग्धस्ते नाशो कामो मुनित मोह। पहले उसी आश्रम में कामशत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं पर उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। काम जीवन हेतु ही रत्या संप्रार्थित ऐश्वर्य संप्रार्थित वाचेदम शंकरो लोक शंकर कंचित समय माषाद्य जीविष्यति सुरापुरुषमर परिन्वत स्मरोपाय शलिसिद्धि न कचन। उस समय रथ ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। इस पर वे बोले, हे देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामजीव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। यह यावत् सत्य भोजने स्थिरा स्थित्वा मरासदा कामबाण प्रभावोत्र न चलिष्यत संशयम। हे अमरगण, यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक भूमि को नेत्रों से देख पाते हैं वहाँ तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। इदि संभुशक्ति कामो मिथ्यात्मक गति कस्तदा नारदे स जगामासु दिवमिंद्र समीपतः। भगवान शंकर की इस उक्त के अनुसार उस समय वहाँ नारद जी के प्रति कामदेव का अपना प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट आए। आचख्यो सर्ववृत्तांतम प्रभावम श्र मुनेश्वर तदाज्ञायवस्थानम स्वकीयम समुद्र प्रिय। वहाँ कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह दिया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे बसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। विस्मितो भूस्राधीश प्रशंसानाथ नारदम तदवृत्तान भिज्ञो ही मोहित शिव माया। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्हें नारद जी की भूर प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृत्तांत का स्मरण न कर सके। दुर्गेयासां भीमाया सर्वेषां प्रणिनापिह भक्तं विनिर्पितात्मानं तया सम्मोहिते जगत। वास्तव में इस संसार में सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने अपने आप को शिव को समर्पित कर दिया है उस भक्त को छोड़कर शेष संपूर्ण जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारदोपीतस्थो तत्र से नारुग्रहण पूर्णमत्वा तपस्तस्व बिरराम तदो मुनि है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। अंत में अपनी तपस्या को पूर्ण हुआ जानकर वे मुनि उससे विरक्त हो गए। कामा जयम यम्मत्वा गर्वितो भुवनमुनीश्वर वृथैव विगत ज्ञान शिव माया विमोहित। कामदेव पर अपनी विजय मानकर उन मुनीश्वर को व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्होंने यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। धन्या धन्या महामाया शाम्भवी मुनि सत्तमा तद्गतिम नहीं पश्यन्ति विश्वब्रह्मा देवोपि। हे मुनिश्रेष्ठों, भगवान शंभु की महामाया धन्य है। ब्रह्मा विष्णु आदि देव भी उनकी गति को नहीं देख पाते हैं। तया सम्मोहितो जीव नारदो मुनि सत्तम कैलासम प्रयो शीघ्र सुवृत्तम गतितुम मदी। उस माया से अत्यंत मोहित मुनि शिरोमणि नारद गर्वयुक्त होकर अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। रुद्रम त्वाब्रवीत सर्व स्ववृत्तम गर्ववान मुनि मत्वात्मानम महात्मानम स्व प्रभुज्य स्मरंजयम। वहाँ रुद्र को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा प्रवक्त था काम जीता मानकर उससे अपना सारा वृत्तांत कहा। तच्छुत्वा शंकरं प्राह नारदं भक्तवत्सलः स्वमाया मोहितं
हेतन्भिज्ञम भस्रचेतसम। यह सुनकर भक्तवत्सल शंकर जी अपनी माया से मोहित वास्तविक कारण से अनभिज्ञ तथा भ्रष्टचित नारद से कहने लगे। रुद्रवाच हेता नारद प्राज्ञ धन्यस्तम शृणु मद्वच वाच मेयम न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषतः। रुद्र बोले हेता थे नारद, हे प्राज्ञ तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी न कहना और विशेषतः भगवान विष्णु के सामने तो इसकी चर्चा तदाप न करना। पृछमानोपि न ब्रूया स्ववृत्तम मे यद भक्तमान गोप्यम गोप्यम सर्वथा ही नैवम वाच कदाचन। तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने न रखना। यह सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी से प्रकट नहीं करना चाहिए। साशम्य हम विशेषेण मम प्रियतमो भगवान विश्वभक्तो यदस्तम ही मद्भक्तो तीव मेनुगह। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए मेरे अत्यंत अनुगामी हो। सास्य बहुशो रुद्र शूद के रह प्रभु नारदो न हितम्मे ने शिव माया विमोहित प्रबला भाव निकर्म गतिरज्ञया विचक्षणे न निवार्या जन कंसिद पीछा शैव शांकरी। इस प्रकार बहुत कुछ नारद कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण नारद जी ने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। भावी कर्मगति अत्यंत बलवान होती है, उसे बुद्धिमान लोग ही जान जा सकते हैं। भगवान शिव की इच्छा को कोई भी मनुष्य नहीं टाल सकता। ततः स मुनिवर्यो ही ब्रह्मलोकम जगामह विधिमत्वा ब्रवीत गाम जयम स्वस्य तपोबलात्। तदनंतर मुनिशिरोमण नारद ब्रह्मलोक में गए। वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लेने की बात कही। तदाकर्ण्य विधिशोथ स्मृत्वा शंभुपदाम्बुजम विज्ञाय कारणम सर्वम निषेधम सुतम। तदा उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणबिंदों का स्मरण करके और समस्त कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया। मैंने हितम न विद्युक्तम नारदो ज्ञान सत्यम शिव माया मोहितस्य रुणचित्त अमदांकुर। नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतः उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया। इसलिए ज्ञानियों में श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मा जी की बात को अपने लिए हितकर नहीं समझा। शिवे छायादिशीलोके भवत्येव हिषा तदा तद तद्धीनम जगत सर्वम वचस्तन त्वाम स्थितम यतः। इस लोक में शिव की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। समस्त विश्व उन्हीं की इच्छा के अधीन है और उन्हीं की वाणी रूपी तंत्री से बथा हुआ है। नारदोथ यशीघ्र विश्वलोकम विनिषदे मदांकुरम नावृत्तम गतितुम तो स्वतदग्रत। तब नष्ट बुद्धि वाले नारद जी अपना सारा वृत्तांत गर्वपूर्वक भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विश्वलोक में गए। आगछन्नम निर्दिष्टा नारदम विश्वरादरात उत्थित्वा गए गतोरम तम शिश्लेषम ज्ञात हेतुक। श्वासने समुपावेश्य समृत्वा शिवपदाम्बुजम हरिह प्राह वचस्तत्थम नारदम मदनासनम। नारद मुनि को आदेश देकर भगवान विष्णु बड़े आदर से उठकर शीघ्र ही आगे बढ़े और उन्होंने मुनि की वो हृदय से लगा लिया। उन्हें मुनि के आगमन के हेतु का ज्ञान पहले से ही था। नारद जी को अपने आसन पर बैठाकर भगवान शिव के चरणबिंदों को स्मरण करके श्रीहरि से यथार्थ था गर्वनाशक वचन कहने लगे। विष्णुवाच कुत आगम देता किमर्थ मेह चागत धन्यस्तम शार्दूल तीर्थो हम तू तवागमात। विशुले हेतात आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ किस लिए आपका आगमन हुआ। हे मुनिश्रेष्ठ आप धन्य हैं, आपके शुभागमन से मैं पवित्र हो गया। विश्ववाक्य मृतसुत्ता नारदो गर्वित मुनि स्ववृत्तम सर्वमाचष्ट समदम मदमोहित। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुन्ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ बताया। श्रुत्वा मुनि विष्णु समदम कारणं ततः ज्ञातमान अखिलं श्रुत्वा
स्मृत्वा शिवपादाम्बुजम् हृदि। नारद मुनि का यह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन शिव के चरण वृंदों को स्मरण करके भगवान विष्णु ने उनके काम विजय के समस्त यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। तुष्टावग्री संभक्ता शिवात्मा शैव राढ़ी सांजलिर्विधुसुधीर्नमस्तकम् परमेश्वर। उनके पश्चात शिव के आत्मस्वरूप परम शैव शुबुद्ध भगवान विष्णु भक्तिपूर्वक अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़कर परमेश्वर कैलाशपद की पति शंकर की स्तुति करने लगे। विष्णुवाच देव देव महादेव प्रसीद परमेश्वर धन्यस्तम शिव धन्याते माया सर्वमोहिनी। विष्णु बोले हे देव देवेश्वर, हे महादेव, हे परमेश्वर आप प्रसन्न हों, हे शिव आप धन्य हैं और सबको विमोहित करने वाली आपकी माया भी धन्य है। इत्यादि स स्तुतिं कृत्वा शिवस्य परमात्मनः निमील्य नयने ध्यात्वा विराम पदाम्बुजम्। इस प्रकार शिव की स्तुति करके हरि अपने नेत्र को बंद करके चरण कमलों में ध्यान स्थित होकर चुप हो गए। यत्कर्तव्यं शंकरस्य सज्ञात्वा विश्वपालकः शिवशासनतः प्राह हृदाथ मुनिसत्तमः। शिवपालक हरि शिव के द्वारा जो होना था उसे हृदय से जानकर शिव की आज्ञानुसार मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहने लगे। विश्ववाच धन्यस्तम मुनि शार्दूल तपोनिधि रुदार्थि भक्ति त्रिकम यस्यास्ति काम्वोहादयो मुनि विकारास्तस्य सद्यो वै भवन्त्यखिल दुःखदा नैशको ब्रह्मचारी त्वं ज्ञानवैराग्यवान् सदा। विश्वोले हे मुनिश्रेष्ठ आप धन्य हैं, आप तपस्या के भंडार हैं, आपका और आपका हृदय भी बड़ा उदार है। हे मुनि, जिसके भीतर भक्त ज्ञान और वैराग्य नहीं होते उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हैं, फिर आप में काम विकार कैसे आ सकता है? आप तो जन्म से निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हैं। कथम काम विकारी स्या जन्मना विकृत सुधे इत्यादि उत्तम जो भूरि श्रुत्वा शमनुसतम विजहास हदानत्वा प्रत्युवाच वचो हरिम। श्री हरि की कही हुई बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जी जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे। नारद उवाच किम प्रभाव स्वर स्वामिन कृपा यद्यस्ति ते मयि इत्युक्त्वा हरि मानम्य यच्छो यदच्छुक्तो मुनि। हे नारद जी बोले हे स्वामिन, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तब कामदेव को मेरे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है? ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छा अनुसार विचरने वाले नारद मुनि वहाँ से चले गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे सुष्टुप्याखने नारद तपोवर्णनम नाम द्वितीयोध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में नारद तपो वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। चंद्रशेखर 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 पाहि माम चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। हर हर महादेव। इसमें हुई त्रुटियों को क्षमा करें। हर हर महादेव।